अल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज आपके न्यूमेरिकल नंबर 10-3 स्टार्ट करवा रहे हैं। फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। टाइम पीरियड फाइंड करें, टी बड़ा डालेंगे, ये क्वेश्चन मार्क हो गया, ये आपने मालूम करना है। सिंपल पेंडुलम ऑफ 1 मीटर लेंथ, उसकी लेंथ कितनी है? 1 मीटर है, 1 मीटर। प्लेस ऑन द अर्थ एंड द मून, प्लेस अर्थ पे भी है और मून पर पड़ा हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ द मून इज 1/6 ऑफ द वैल्यू ऑफ द अर्थ। यानी कि जी की जो वैल्यू है मून के ऊपर, जी एम जब लेंगे तो वो जी ई जो होगा उसका 6 होगा, यानी जी ई तो हमारे पास 10 होता है, 10/6 करेंगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और जी ई हमें अंडरस्टूड है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमने टाइम पीरियड फाइंड करना है। टाइम पीरियड के लिए जो फार्मूला यूज करेंगे वो है T इज इक्वल टू 2π अंडर रूट एल ओवर जी। ये फार्मूला यूज करेंगे एल ओवर जी। अब क्योंकि हमने टाइम पीरियड निकालना है, पहले हमने अर्थ का निकालना है, अगर अर्थ का निकालना है तो टी ई निकालेंगे, तो हम यहाँ पे ई लगाएंगे अर्थ के लिए हो गया, और एल वही रहेंगे, जी जो है वो अर्थ का यूज करेंगे। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं। टी अर्थ तो हमने फाइंड करना है 2π की वैल्यू होती है 3/4 भी 14 भी लिखा जा सकता है, 2π/7 भी लिखा जा सकता है, 3/14। एल हमारे पास 1 है और जी की कीमत हम 10 यूज करेंगे, एल ये 1 लिया हमने, तो टी अर्थ बराबर है 3/14। अगर इसको कैलकुलेट करें तो हम लिख सकते हैं 2 × 3.14 इज इक्वल टू 2 × 3.14 इज इक्वल टू 6.28। अंडर रूट 1/10 यानी 0.1 लिया जाएगा, 10 को 1 से डिवाइड करें 0.1 होगा, मल्टीप्लाई अंडर रूट 0.1, ये आ गया 1.9859। कितना है? 1.985। टी अर्थ इसको अगर हम राउंड अप करें तो 5 करें इसको 9 बन जाएगा, 9 आगे करेंगे या 0 यानी 2 बन जाएगा, 2 सेकंड आंसर आपका राउंड अप करने के बाद आ जाएगा। ये तो हमारे पास क्या आया, अर्थ के लिए टाइम पीरियड निकला है। अब हम निकालने जा रहे हैं टाइम पीरियड मून के लिए। फिर फार्मूला वही यूज करेंगे, टी इज इक्वल टू 2π अंडर रूट एल ओवर जी। यहाँ पे हम वैल्यू पुट करने लगे हैं, टी मून है और जी एम ही इस्तेमाल करेंगे मून के लिए। टी एम 2 × 3.14 अंडर रूट एल की वैल्यू हमारे पास 1 है और जी जो है 10/6 है, तो हम लिख सकते हैं टी एम, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 6.14
28 पहले भी आंसर आया हुआ है, अंडर रूट ये 6 सेकंड ओवर में आया, फर्स्ट ओवर पे जाएगा 6/10 हो जाएगा, टी एम 6.28 अंडर रूट 0.6 होगा। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं कैलकुलेटर से तो आंसर क्या आएगा, 6.28 अंडर रूट 0.6 इज इक्वल टू हमारे पास आंसर आया 4.864 TM। अब इसको राउंड अप करें, 4 5 से छोटा है ये वैसे ही राउंड अप हो जाएगा, और 6 5 से बड़ा है इससे अगला हिस्सा एक इंसान बढ़ाया जाएगा, तो 4.9 सेकंड। यार इसको मजीद राउंड अप करें तो ये 5 सेकंड बन सकता है आंसर। नंबर 10/4 है यानी 10.4 है। पेंडुलम कंप्लीट 1 वाइब्रेशन इन 2 सेकंड, कैलकुलेट्स इट्स लेंथ वेयर जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड। पेंडुलम है उसके एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने में 2 सेकंड लगते हैं, यानी एक इसका टाइम पीरियड जो है एक वाइब्रेशन का वो 2 सेकंड है, क्योंकि टाइम पीरियड का मतलब ये होता है कि एक वाइब्रेशन के लिए, एक पूरी वाइब्रेशन के लिए जितना टाइम लगेगा उसे उसका टाइम पीरियड कहेंगे। तो इसका टाइम पीरियड तो 2 सेकंड है। कैलकुलेट इट्स लेंथ, अब इसकी हमने लेंथ फाइंड करनी है, और जी की वैल्यू जो है वो 10 है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसका फार्मूला क्या होगा, बार बार फार्मूला वही यूज हो रहा है, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। अब इनके अंदर वैल्यूज पुट करते हैं तो पता चलता है क्या आंसर आता है, टी का हमारे पास 2 है, 2 × 3.14 अंडर रूट एल, तो हमने फाइंड करना है जी हमारे पास 10 है। अब 2 इधर भी है, 2 इधर भी है, 2 2 से हम काट भी सकते हैं, या हम इस तरह 2 = इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या आंसर आता है 3.14। मल्टीप्लाई 2 = 6.28, 6.28 अंडर रूट एल ओवर 10। अब 6.28 इसके ओवर में चला जाएगा, 2/6.28 इज इक्वल टू अंडर रूट एल ओवर 10। अब हम क्या करेंगे, इनका स्क्वेयर रूट खत्म करने के लिए हम दोनों तरफ पे स्क्वेयर ले रहे हैं, टेकिंग स्क्वेयर एट बोथ साइड। अगर हम इसका स्क्वेयर लेते हैं 2/ इज इक्वल टू, इसका हम स्क्वेयर ले लेते हैं, यह आएगा 0.1014। 0.1014 इज इक्वल टू इसका स्केयर जिधर से कट जाएगा एल बाई 10 होगा, 10 इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो 1.014 इज इक्वल टू एल आ जाएगा, और इसको अगर हम राउंड अप करें तो ये तकरीबन 1.01 या 2 आप कह सकते हैं एल। तो इसकी लेंथ है 1.02 मीटर।
L is equal to 1.02 मीटर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ, 10.5। 10.5 इफ 100 वेव पास थ्रू अ पॉइंट, एक पॉइंट है उसमें से 100 वेव पास करती हैं ऑफ अ मीडियम इन 20 सेकंड। नंबर ऑफ वेव हंड्रेड है, टाइम वो है 20 सेकंड। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड करनी है, एंड टाइम पीरियड ऑफ द वेव, टाइम पीरियड फाइंड करना है। इफ इट्स वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर याद रहे, सेंटीमीटर के मीटर बनाने हों 100 से डिवाइड करते हैं, 0.06 मीटर। कैलकुलेट द वेव स्पीड, वेव की स्पीड वी भी आप फाइंड करेंगे। अब हम देखते हैं कि कितनी वेव है और कितने इसका साइकिल लगते हैं, इससे हमें क्या मिलेगा, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड्स फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला है, टी इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेव बाय टोटल टाइम, नंबर ऑफ वेव्स बाय टाइम। नंबर ऑफ वेव्स कितनी है, 100 और टाइम टोटल 20 है, तो ये डिवाइड करने से 5 आंसर आता है टाइम। अब सेकंड, अब बात ये होती है कि हमारे पास टाइम 20 सेकंड है और वेव इतनी है, ये हमारा फार्मूला बनता है फ्रीक्वेंसी का, सॉरी फ्रीक्वेंसी है टोटल वेव्स बाय टोटल टाइम। तो एक सेकंड में जितनी वेव गुजरेगी वो 5 सेकंड है, 5 है, तो फ्रीक्वेंसी इसकी 5 हर्ट्ज हो जाएगी, एच जेड। अब इसके बाद हमने टाइम पीरियड निकालना है। टाइम पीरियड होता है 1/f, फ्रीक्वेंसी का इनवर्स होता है, तो अगर हम इसकी 1/f की जगह पे इसकी 1/f फ्रीक्वेंसी हमारे 5 हर्ट्ज है, अगर इसको हम डिवाइड करें तो 1/5 होता है, आंसर आएगा 0.2 सेकंड। अब टाइम पीरियड भी है, फ्रीक्वेंसी भी है, वेवलेंथ भी हमारे पास है। अब हम इसकी नेक्स्ट क्या फाइंड करने लगे हैं, हमारे पास जो फाइंड करनी थी वो थी फ्रीक्वेंसी, वो भी फाइंड हो गई, टाइम पीरियड फाइंड हो गया। अब हमने वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो वेलोसिटी का फार्मूला डियर स्टूडेंट होता है v इज इक्वल टू f लैम्डा। अब दोनों चीजें इसमें पुट करते हैं, तो f हमारे पास 5 है और लैम्डा 0.06 है, तो v कितना निकलेगा, इनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये 0.3 मीटर पर सेकंड इसका आंसर आएगा। इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 10.5 कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास 10.6। अ वुडन बार वाइब्रेटिंग इनटू अ वाटर सरफेस इन अ रैम्पल टैंक हैज फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कितनी है, 12 हर्ट्ज यानी 12 हर्ट्ज। द रिजल्टिंग वेव हैज वेवलेंथ ऑफ 3 सेंटीमीटर,
लैम्डा 3 सेंटीमीटर है, इसके मीटर बनाए 100 से तकसीम कर लेते हैं तो ये हमारे पास आएगा 0.03 मीटर वेवलेंथ होगी। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द वेव, वेव की स्पीड क्या होगी, सिंपल फार्मूला हम इसके लिए लगाएंगे, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। अब v निकालना है हमने, f की वैल्यू 12 है और लैम्डा है 0.03, तो इनको अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 12 को 3 से 36 और इसको 2 दर्जे बाद इशारिया है तो ये 0.36 मीटर पर सेकंड इसका आंसर होगा। ये क्वेश्चन सिंपल था और इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 10.6 ये न्यूमेरिकल 10.6 कंप्लीट होता है और नेक्स्ट जो है 4 इसके न्यूमेरिकल हैं वो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे शेयर करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये न्यूमेरिकल समझ आ रहे होंगे। बहुत शुक्रिया।